नमस्कार, आप देख रहे हैं सलमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सलमार ने आज किस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों की। पीएम ने जेटली के परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने श्री जेटली के कैलाश कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर पहले दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री जेटली की पत्नी, पुत्र और बेटी से मिलकर इस दुख की घड़ी में गहरी संवेदना व्यक्त की। श्री जेटली का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। श्री जेटली के निधन के समय ही श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेश यात्रा के तहत सऊदी अरब में थे और उनके परिवार से टेलीफोन पर बातचीत कर अपनी संवेदना व्यक्त की थी। आप देख सकते हैं कि भारत लौटने के साथ नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही उन्होंने उस दुख की घड़ी पे अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है उनके परिवार से कि अरुण जेटली जैसा नेता ना कोई बना है ना कोई बन पाएगा, क्योंकि उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। वो आम लोगों की हर वो बात को सुनते थे और उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। जहां तक बीजेपी के सवाल रही है तो बीजेपी को अरुण जेटली की कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि ऐसा नेता काफ़ी मुश्किलों के साथ बनता है, क्योंकि जो आम लोगों के दिल में और ज़मीन में बसता है ऐसे नेता काफ़ी कम देखे जाते हैं। लेकिन यही वजह है कि आज सिर्फ बीजेपी के अलावे ही अन्य पार्टियां भी इस शोक के संकट में अपना शोक सबको व्यक्त करते दिखाई दे रही है। नजर डालते हैं दूसरी खबरों की ओर। बहाल होंगे 2340 आयुष चिकित्सक। पंचायतों में लेखा जांच के लिए 589 अकेक्षकों के पदों का होगा सृजन। 229 अभिभूत कॉलेजों के पर्यावरण विज्ञान में एक सहायक प्रोफेसर के पद हो गए सृजन। प्रति लीटर डीजल खरीद पर अनुदान के 10 रुपये की बढ़ोतरी। सरकार ने लोगों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के साथ ही किसान हितों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसला लिया है। कैबिनेट में अपने अहम फैसले से राज्य में 2340 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में PMCH में एक एक आयुष चिकित्सक पदाधिकारी की बहाली के लिए पदों के सृजन का फैसला किया है। कैबिनेट के पंचायतों में लेखा संधारण की बैठक, ठोस व्यवस्था और उसकी जांच के लिए पंचायती राज विभाग के कुल 589 अकेक्षकों के पदों के सृजन का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कृषि कार्य के लिए प्रति लीटर डीजल की खरीद पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के दर में 10 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। किसानों को अब प्रति लीटर डीजल की खरीद पर 50 रुपये की जगह 60 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में किसानों के हित में डीजल सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की थी। आप देख सकते हैं कि नीतीश कैबिनेट में काफ़ी अहम फैसलों पे मुहर लगे हैं, जिसमें से 14 अहम फैसले हैं जिस पर उन्होंने मुहर लगाई। साथ ही आपको बता दें कि जो सबसे बड़े फैसले की जो बात सामने आई है वो है कहीं ना कहीं किसानों के हित में। जो किसानों को पहले 50 रुपये डीजल सरकार के तरफ से सब्सिडी दिए जाते थे, अब उन्हें 60 रुपये दिए जाएंगे। यह फैसला नीतीश कुमार ने इसके बारे में स्वतंत्रता दिवस के ही मौके पे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बात के बारे में इस पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए थे। और उन्होंने जैसे ही स्वतंत्रता दिवस खत्म हुआ है उसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट में यह फैसला ले लिया है। अब किसान के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की बात सामने आई है। अब जो किसानों को जो समस्याएं आती थी सिंचाई करने में, वो समस्याएं अब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी, क्योंकि अब जो भी सरकार के द्वारा 50 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, अब उन्हें 60 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बात यह भी है यहाँ पे सामने आ रही है कि PMCH ऐसे तमाम मेडिकल संस्थानों में जो दिक्कतें आती थी, जहाँ डॉक्टर की गैर मौजूदगी रहती थी, फिर भी बहुत ऐसी तरह की समस्याएं थी, उसके लिए ऑडिटिंग पार्ट का भी इंतज़ाम किया गया, उसके लिए भी बहाली की जाएगी। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 2340 आयुष चिकित्सक बहाल होंगे। बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ी बात है। काम नहीं आएगी खजाने की चोरी, राहुल। मोदी और निर्मला को पता नहीं है आर्थिक संकट का समाधान। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से अपने आरक्षित रिजर्व
से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता नहीं है कि उनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाए। उन्होंने लिखा कि RBI से चुराने से काम नहीं चलेगा। यह वैसे ही है कि एक डिस्पेंसरी में एक बैंडेड चुराकर गोली से बने घाव पर लगा दिया जाए। श्री गांधी ने अपने ट्वीट में हैशटैग RBI लूट लिखा है। RBI की में सोमवार को निर्णय लिया गया है कि वो अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2018 से 2019 के लिए 1 लाख, देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने RBI से 1,76,000 रुपये सरकार को मुहैया कराने पे कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने सरकार को साफ तौर पे घेरा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन को अब देश चलाने नहीं आ रहा है। उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो भारत सरकार RBI से ली है, अगर कहा जाए तो इन लोगों को चोरी करने से अब इन लोग की कोई भी समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि अब ये लोग चोरी पे उतर चुके हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पे साफ तौर पे कटाक्ष किया। उन्होंने साफ कहा है कि अब ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, काम नहीं आएगी खजाने की चोरी। देख सकते हैं इस तरह का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरा। हालांकि राहुल गांधी काफ़ी खफा चल रहे हैं नरेंद्र मोदी से भी। उसी पे कटाक्ष करते हुए आपको दिखा दें कि निर्मला सीतारमण ने भी कहा है, चोर कहने में माहिर हो गए हैं राहुल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चोर शब्द का उपयोग करने में माहिर हो गए हैं। श्री गांधी द्वारा रिजर्व बैंक में अपने आरक्षित रिजर्व से लेकर सरकार को अतिशेष सहित 1,76,00,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की कड़ी आलोचना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि संवाददाताओं से कहा कि गांधी पहले भी चोर हैं और चिल्लाते रहते हैं। देख सकते हैं कि सीतारमण ने साफ तौर पर राहुल गांधी के कहे हुए शब्दों का उल्टा जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी की यह फितरत रही है कि वो किसी की आलोचना करते हैं, किसी को चोर बना देते हैं, किसी को जो मन में आता है वो बोलते हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी कितने चोर हैं और गांधी परिवार कितना चोर है। उन्होंने साफ तौर पे गांधी परिवार को भी घेरा है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के नियम दिसंबर तक बनेंगे पासवान। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के संबंधित नियम इस वर्ष दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। इस विधेयक को संसद में पिछले सत्र में पारित किया गया था। श्री पासवान ने आज यहाँ नियम को लेकर सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नियमों को लेकर सुझाव देने के लिए लोगों को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। कानून के अनुरूप नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई बार नियमों को बनाने में 2-2 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के नियम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक में स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। अब देख सकते हैं कि रामविलास पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी चीज़ का कोई सीमा नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं कि कुछ भी परिणाम आए तो वो बेहतर आए, इसके लिए हम लोग की कोशिश साफ तौर पे हो रही है। वही हम लोगों की बैठक सांसदों के साथ हुई है, जिसमें हम लोगों ने विचार विमर्श किया गया हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और जल्द से जल्द ये उपभोक्ता संरक्षण कानून के नियम दिसंबर तक लागू हो जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह जवाब दिया है। 3 आयुक्त व 5 DM बदले गए। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मंगलवार को 3 प्रमंडल के आयुक्त, 5 DM व 3 DSP सहित 16 IPS का तबादला किया। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में DDC कटिहार अमित कुमार पांडे को CEO सह नगर आयुक्त पटना नगर निगम बनाया गया है। वहीं सचिव श्रम संसाधन विभाग के सिंधी कुमार को सहरसा प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया। वहीं सचिव खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग पंकज कुमार को तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त तथा सचिव स्वास्थ्य विभाग अस्वाक चुना गया है। आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने 16 अफसरों का तबादला किया है, जो कि पहले जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से मौजूद थे उन लोगों का तबादला हुआ है। काफ़ी लोगों की पोस्टिंग
यहाँ से हटाकर कहीं और कर दी गई है, क्योंकि जो विधि व्यवस्था है जो बिगड़ती चली जा रही है बिहार में, इन सब को लेकर अब सरकार भी काफ़ी एक्टिव दिख रही है। उन्होंने अब साफ तौर पे कहा कि बिहार की जनता को जो भी समस्याएं होती थी उन सब समस्याओं से अब दूर रखा जाएगा, इसके लिए हमारी कोशिश पूरी है। वहीं अगर प्रशासन की भी बात की जाए तो प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब बिहार में क्राइम रेट घटेगा, लेकिन अभी की स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन अब सरकार इस पर भी फैसला ले रही है और आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार का जो फैसला है काफ़ी 16 अफसरों को, जी हाँ 16 अफसरों का तबादला किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहें सरमार लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।